लाइब्रेरी से आ रहा है सर, कुछ नहीं, उस लोग वहाँ के आदमी सबको बाहर कर रहा है पुलिस अभी। जैसे पुलिस ने रोका वो पीछे के रास्ते से माता मंदिर मार्ग है, वहाँ से लेके इन्होंने फिर मथुरा रोड जाने की कोशिश की और वहाँ कुछ जो है बसेस में तोड़फोड़ की है, कुछ बसेस को आग लगाई है। तो उसी के मद्देनज़र जब इनको वापस वहाँ से हटाया गया तो पुलिस पे भी इन्होंने पथराव वगैरह किया है, जो लोकल घर वगैरह हैं वहाँ भी पथराव हुआ है। और उसके बाद जो पुलिस ने है और मैक्सिमम रिस्ट्रेंट से और टीयर गैस यूज़ करके इनको वापस वहाँ से खदेड़ा है। अंदर आ रहे हैं, रीडिंग हॉल में थे, वहाँ से आए हम, वहाँ से नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं है, हम इनसाइड द रीडिंग हॉल है, वहाँ से निकल के आए हम। और मैं बीबीसी न्यूज से हूँ, मैं यहाँ पे मतलब कवरेज के लिए आई थी। इन्होंने मेरा फोन छीना, फोन तोड़ा मेरी आंखों के सामने, मैं बोल रही हूँ, मैं अपना प्रेस कार्ड भी दिखा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे मारा और मारने के बाद चार डंडे मारे और पुलिस मेल ने मेरा बाल खींचा। मतलब फीमेल होती वो मुझे कुछ कर सकते थे, मेल मुझे कैसे छू सकते हैं। लोग गुस्साए हुए हैं, ट्रॉमा में हैं, क्योंकि कल जो पॉलिटिकल बूचरी हुई है कल शाम से, जो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनसिविलाइज्ड वे में पुलिस कम मतलब आप समझ लो कि वो दरिंदे बने हुए थे। आप अगर जानोगे हालात कैसे थे, बच्चे कल नहीं थे प्रोटेस्ट में, एक्चुअली ओखला के लोग थे, लेकिन कैंपस के अंदर गैस के गोले फेंके गए, अंधेरा होने का वक्त का इंतजार किया गया, जैसे ही थोड़ी अंधेरा हुआ है पुलिस ने अंधेरा आना शुरू कर दिया। आज के जो इंसिडेंट था उसके कोई कॉल जामिया ने नहीं दी थी, जामिया के स्टूडेंट्स ने नहीं दी थी।